आरती सिंह खुद को बिग बॉस में बचाने के लिए अपना नाम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जोड़ रही है। क्या आरती के दिमाग में कोई ऐसा गेम प्लान चल रहा है जिसमें वो रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला दोनों को यूज कर रही है? अभी हाल ही में आपने बिग बॉस 13 में देखा होगा कि आरती सिंह रश्मि देसाई पर उनकी बात पर भड़क उठी कि आखिर वो क्यों उनका नाम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ लिंक कर रही है। लेकिन बाद के एपिसोड में ये बात भी सामने आई कि आरती सिंह खुद भी सिद्धार्थ के साथ चिपकने से बाज नहीं आ रही थी। सिद्धार्थ और आरती के ऐसे कई कोजी लम्हे आपने बिग बॉस में अभी विटनेस भी किया होगा, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, क्या आपको इस बात का अंदाजा है? तो सुनिए बिग बॉस के गेम के पुराने एक्सपर्ट इसके पीछे आरती सिंह का एक बड़ा गेम प्लान देखते हैं। बिग बॉस के एक्सपर्ट्स के मुताबिक आरती सिंह ऐसा खुद को गेम में सेफ बनाए रखने के लिए कर रही है। वो जानती है कि बिग बॉस 13 के खेल में सिद्धार्थ लंबी रेस के घोड़े हैं और अगर उनका नाम सिद्धार्थ के साथ जुड़ा रहता है तो वो लंबे समय तक गेम में सेफ बनी रहेंगी। वैसे बिग बॉस के घर में एंट्री से पहले आरती सिद्धार्थ की रूमर्ड गर्लफ्रेंड भी रही है। हालांकि सिद्धार्थ ने कभी आरती के लिए अपने दिल में छुपे इश्क का इजहार नहीं किया। हाँ, बेशक सिद्धार्थ और रश्मि देसाई के रिलेशनशिप की चर्चा बिग बॉस के दौरान खूब होती रही, लेकिन रश्मि और सिद्धार्थ के बीच प्यार की पुरानी चिंगारी ढूंढने वाले को इन दोनों के बीच इश्क के नाम पर अब तक सिर्फ एक टॉम एंड जेरी की लड़ाई ही देखने को मिली है। हालांकि उम्मीद लगाने वाले इस बात की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिग बॉस के सेकंड हाफ में गेम पलटेगा और रश्मि और सिद्धार्थ के बीच रिश्ते एक बार फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। लेकिन अब इसी गेम में आरती सिंह भी अपनी एंट्री मारने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि आरती अब तक इस गेम में काफी लो प्रोफाइल रही, लेकिन सिद्धार्थ जी के हमले के बाद से ही आरती भी लैमलाइट में हार चुकी है। अब देखना ये होगा कि आरती की स्ट्रेटजी उन्हें बिग बॉस में कितने लंबे समय तक सर्वाइव करने में हेल्प करती है।